Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new in my channel, so a warm welcome to you. Please take a moment and subscribe to my channel. See, आज मैडम ने डिसाइड किया है टू गिव अ गेस्ट अपियरेंस. से हाय, से हाय, से हाय. सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट अनदर बेबी गर्ल क्लोथिंग हॉल. सो मेरी बेबी अभी कुछ ही दिनों में एक साल की होने वाली है और मैंने कुछ उसके बर्थडे स्पेशल शॉपिंग किया है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऑनलाइन मैंने परचेज किया है माई फेवरेट स्टोर हॉपस्कॉच से, एंड ऑफलाइन मैंने बिग बाजार से कुछ शॉपिंग किया है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन. तो मैडम चली गई है अपने पापा के साथ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने. तो मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो. तो मैंने मैं पहले अपना ऑफलाइन वाला यानी बिग बाजार वाला से स्टार्ट करूंगी और उसके बाद मैं जो जो भी ड्रेसेस मेरे बेबी के लिए हॉपस्कॉच से लिया है वो मैं दिखाऊंगी. सो पहला ड्रेस है ये. दिस इज अ रियली प्रीटी रेड ड्रेस. ये एकदम कॉटन का है और बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल है. तो ये सारे जो ड्रेसेस हैं मैंने 12 टू 18 मंथ का लिया है. इसका प्राइस है 299 और मैं जो भी प्राइसेस हैं सब नीचे सब मैं स्क्रीन पे नीचे दे दूंगी. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सिर्फ हॉपस्कॉच का ही लिंक दे सकती हूँ क्योंकि बिग बाजार का लिंक मैं तो ऑब्वियसली नहीं दे पाऊंगी. आप अगर अभी बिग बाजार में जाते हैं तो ये सब कलेक्शन आपको मिल जाएंगे अपने बेबी के लिए. तो और लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं उसका पहना हुआ ड्रेसेस पहना हुआ एक क्लिप इंसर्ट कर दूंगी. सो ये रहा फर्स्ट ड्रेस. तो नीचे इसका ऐसे लेस डिटेलिंग किया हुआ है और ये स्लीवलेस है. गर्मियों में मैं उसे हमेशा स्लीवलेस ही पहनाती हूँ. तो ये रहा फर्स्ट ड्रेस. So next dress is this one. This is a very beautiful Minnie Mouse dress. ये उसके पापा ने पसंद किया है उसके लिए. ये ऊपर का पार्ट सेमी आई थिंक ये पूरा कॉटन नहीं है, कुछ जर्सी काइंड ऑफ मटेरियल लग रहा है मुझको. मैं एक बार देख लेती हूँ इसमें कुछ लिखा तो नहीं है. एंड दिस इज एक्चुअली फ्रॉम डिज्नी ब्रांड एज यू कैन सी. या एंड इसका प्राइस ऑब्वियसली ये डिज्नी का है इसलिए थोड़ा ज्यादा है. ये 399 है और ये नीचे का जो येलो पार्ट है ये पूरा लेस नेट डिटेलिंग किया हुआ है एज यू कैन सी. और नीचे इसका एक येलो सॉफ्ट सा लाइनिंग भी है. ये भी मैंने 12 टू 18 मंथ का ही लिया है. नेक्स्ट मैंने उसके लिए ये टॉप लिया है. ये बहुत ही क्यूट एंड कंफर्टेबल एंड वेरी सॉफ्ट मटेरियल का एक टॉप है, ब्लू कलर का. उसमें एकदम छोटा छोटा पोल का डॉट्स है और सामने स्प्लैश स्प्लैश लिखा हुआ है. एकदम समर अप्रोप्रिएट है. छोटा सा एकदम स्लीवलेस नहीं है, छोटा सा एकदम छोटू सा स्लीव है इसका. इसका प्राइस मुझे आया है 149 रुपीस का. ये मुझको आया है और इसके साथ पेयर अप करने के लिए मैंने एक स्कर्ट भी लिया है, वो ये रहा. दिस इज रियली रियली क्यूट. मुझे देख के ये पसंद आ गया था. और ये और भी कलर्स के थे, एक शायद येलो कलर का था, ये एक पिंक भी था, एक लाइट पिंक और एक डार्क पिंक दोनों कलर का था. तो मुझे लाइट मतलब पिंक और येलो का, येलो के साथ में कुछ मैचिंग टॉप नहीं मिल रहे थे इसीलिए मैंने ये स्काई ब्लू चूज किया. इसमें भी छोटे छोटे स्टार्स किया हुआ है एंड इसका प्राइस था
199। तो मुझे बिग बाजार बहुत ही अफोर्डेबल लगता है और बच्चे इतने जल्दी अपने ड्रेसेस से आउटग्रो कर जाते हैं, तो मुझे आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा बच्चों के कपड़ों में स्पेंड करना इज नॉट अ गुड बहुत मतलब अच्छा आइडिया है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ अफोर्डेबल चीज़ें ले सकूँ जो कंफर्टेबल भी हो, चीप ना हो। बिग बाजार की चीज़ें चीप नहीं है, पहनने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है उसको, बहुत कंफर्टेबल भी होता है लेकिन अफोर्डेबल भी होता है। तो ये तीन चार चीज़ें ही मैंने बिग बाजार से लिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं हॉपस्कॉच की तरफ। तो हॉपस्कॉच से मैंने सिर्फ तीन ही ड्रेस परचेज किया है। तो पहला जो परचेज किया है वो ये है, ये एक बहुत ही क्यूट सा रेड वंसी है। मैं अपने बेबी के ऊपर रेड कलर ऑब्वियसली बहुत पसंद है मुझको, वो बहुत अच्छी ही लगती है। और बच्चों के लिए ब्राइट कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, वो देख के भी बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ, अभी जैसे वो एक साल की होने वाली है तो कलर्स की तरफ, ब्राइट कलर्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है। तो ये सब मतलब स्टोर्स में भी ये सब कलरफुल ड्रेसेस देख के वो बहुत अट्रैक्टेड होती है, वो ऐसे अपना हाथ लेके वो ग्रैब करना चाहती है। तो मैंने ये लिया है, तो इसका फ्रंट ऐसा है और बैक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे नीचे एक बेल्ट है, बहुत ही क्यूट है। ये भी एक वॉन्सी ही है। तो मैं तो इनके जो प्राइसेस है, क्योंकि इसके प्राइस टैग, ये टैग में इसके प्राइसेस मेंशन किए नहीं होते हैं, तो मैं नीचे उसका प्राइस सब कुछ इनका मेंशन कर दूंगी। एंड इसके साथ जैसे जो हॉपस्कॉच की खासियत है, एक ऐसा हेडबैंड आया है। माय नेक्स्ट ड्रेस फ्रॉम हॉपस्कॉच इज दिस वन। दिस इज ऑल्सो वनजी, ये व्हाइट कलर का वनजी है, आप देख सकते हैं। और इसे ऐसा ऐसे दो बिग फ्लावर डिटेलिंग है। और पीछे का ये इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ऐसे लेस जैसे आता है और इसको यहाँ पे टाई किया जाता है, और टाई करने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसका भी प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। और मैंने मतलब इतने स्टाइलिश जो वंजीज है मैंने हॉपस्कॉच के सिवाय और किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन स्टोर में नहीं देखा है। तो दैट इज व्हाई आई रियली लाइक हॉपस्कॉच। एंड द लास्ट वन जो मैंने हॉपस्कॉच से लिया है वो ये ड्रेस है। ये एक्चुअली उसके नाना नानी ने उसको बर्थडे में गिफ्ट दिया है। ये एक स्काई ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन का एक फ्रॉक है। ये बेल्ट है उसको पीछे ऐसे टाई करने के लिए। एंड ये नीचे का थोड़ा एक नेट मटेरियल है, लेकिन नेट बहुत ही सॉफ्ट है। और नीचे नेट के नीचे ऐसा वाइट सैटिनी एक लाइनिंग दिया हुआ है। एंड ऊपर ऐसे यहाँ तक बटन है, कॉलर्स है इसके, और स्काई कलर के ऊपर ऐसे वाइट कलर का फ्लावर डिटेलिंग किया हुआ है। एंड ये फ्लावर डिटेलिंग एक्चुअली ये प्रिंट है, ये कोई थ्रेड वर्क नहीं है, ये प्रिंट है। तो ये भी बहुत एक्चुअली ये मेरे मम्मी को बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने पसंद किया और मैंने ऑर्डर किया था। सो इसका प्राइस शायद 600 है, मैं फिर भी डबल चेक करके नीचे मेंशन कर दूंगी। सो ये था मेरी बेबी गर्ल का बर्थडे स्पेशल कुछ शॉपिंग हॉल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कोई या कोई मदर अगर कुछ आइडियाज़ चाहती है कि उनके बेबी गर्ल के लिए क्या क्या शॉपिंग किया जा सकता है, तो ये वीडियो ऑब्वियसली उनके साथ आप शेयर कीजिए। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैं अपनी वीडियो की
थ्रू हेल्प कर सकूं। एंड प्लीज 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 टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट मींस अ लॉट टू मी। एंड बाय फॉर टुडे, प्लीज स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल, आगे और भी इंटरेस्टिंग आने वाले हैं आप सबके लिए। सो बाय।